मैं कुलदीप सिंह राणा आज आपके सामने नई स्टोरी लेके प्रस्तुत हुआ हूं। धीरज लाल यानी धीरू भाई हीरा लाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुना बेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई के चार भाई बहन थे। धीरूभाई का शुरुआती जीवन कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। धीरूभाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकोड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें खास फायदा नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली दो असफलताओं के बाद धीरूभाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज दो वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन इसमें कम और व्यापार में करने के मौकों की तरफ ज़्यादा रहा। धीरूभाई ने उस हरेक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है, उस घटना के बारे में अब सुनते हैं। जब धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम करते थे, तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेसमैन के बारे में बातें करते हैं। उन्हें सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई ने सूट के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज़्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन
के पक्के थे, उन्होंने इस व्यापार के एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपना काबिलियत के बलबूते धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा एरिया में कपड़े के मिल एस्टैब्लिश की। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने सफलता हासिल की। इसके बाद धीरूभाई सफलता का सीढ़ी चढ़ते गए। धीरूभाई को इक्विटी क्लट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरूभाई के दोनों पुत्र 1991 में मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरूभाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2012 तक 58,000 कर्मचारी हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर कंपनी और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरूभाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था। 2000 के दौरान यानी कि 2000 के दौरान ही अंबानी के देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब उनकी मौत हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो धीरूभाई अंबानी का विवाह कोकिला बेन के साथ हुआ था और उनको दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और दो बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम श्वास ली। दोस्तों, इस स्टोरी में हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी पैसे में नहीं परंतु नियत पे भरोसा करते थे। वो मेहनत वाले इंसान थे। उन्होंने बैठे रहने पर विश्वास नहीं किया, पर जोखिम करने पर विश्वास किया। वो जोखिम हर तरीके का लेना चाहते थे बिजनेस के लिए, और ऐसा नहीं कि जोखिम से उनको सफलता तुरंत ही मिलेगी। शुरुआत के दिनों में आप देखो, उन्होंने जितने भी जोखिम लिए वो सारे असफल हो गए, किंतु उन्होंने जोखिम लेना छोड़ा नहीं, जोखिम लेना चालू ही रखा। और आगे जाके यही जोखिम जो उनका पैशन बन चुका था वो आगे जाके उनको सफलता दिलाता है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी हाई स्कूल की पढ़ाई को छोड़ के
जब किशोर अवस्था में थे तब उन्होंने नाश्ते की रिगड़ी लगाई थी, और उसके बाद जब वो ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था में आए तब उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी थी 62,000 करोड़ की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये सीखना जरूरी है, किशोर अवस्था से लेकर वृद्धावस्था की जो उनकी जर्नी है उसमें उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है वो अचीवमेंट एक दिन का नहीं है, वो रातों रात का नहीं है, मेहनत से कहीं दिनों के कहीं सालों की सफल तपस्या के बाद उनको ये मुकाम मिला है। इस मुकाम का सबसे बड़ा श्रेय जाता है धीरूभाई अंबानी का जोखिम लेने का तरीका। तो दोस्तों बिजनेस करना है तो आपको जोखिम लेना ही पड़ेगा। तो इसके साथ आज की स्टोरी यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।